आज बुकलेट डिस्कस करेंगे भाई, सरफेस टेंशन वाले। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर E19-1। क्वेश्चन नंबर जेई मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन बताना है। क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, फोर, फोर, बस बातें नहीं बता रहा हूं यार, अब रुक जाओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक बड़ा ड्रॉप है, उससे हमने एन छोटे ड्रॉप बनाने हैं, तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा ये निकालना है। तो एक बात बताओ, ओए रुक जाओ, एक बड़े ड्रॉप से एन छोटे ड्रॉप बनाने हैं, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस हम मान, क्वेश्चन नंबर फोर, बड़े ड्रॉप का रेडियस कितना आर, तो इनिशियल एनर्जी इज एस इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया? अब इसके बाद तेजस, किसी में ऑप्शन गलत नहीं है, सब में आंसर आ रहे हैं अभी। ठीक है, अब फोर्थ में आ गए हम। ठीक है, अगर पूछना था तो सेकंड पूछ लेता पहले ही, अब बोल रहा सेकंड बता दो। अब टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वायर है वहां पर, रिंग, रिंग पे हमेशा क्या होता है, डबल लगती है सरफेस टेंशन, गधा आदमी। अब सुनो भाई, फोर्थ क्वेश्चन, इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी, एस इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। अब इसके एंड ड्रॉप्स बनाए हमने छोटे वाले, तो जरा देखो, जो बड़े वाले का वॉल्यूम था 4/3 πr³, दिस इज कन्वर्टेड इनटू n 4/3 πr³। ये कट गया, स्मॉल r इज इक्वल टू r अपॉन n की पावर 1/3। हाँ या ना? अब जो छोटे वाले ड्रॉप्स की सर्फ एनर्जी है, दैट इज uf इज इक्वल टू n, क्योंकि n ड्रॉप बन रहे हैं, n इंटू फोर s, सॉरी n इंटू एस इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर इज व्हाट? हाँ या ना? तो कितना आ गया, uf इज इक्वल टू n की पावर 1/3 s 4πr². ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? अब आप क्या करो, वो बोल रहा है वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो अब आप इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू एस इंटू फोर पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, एन की पावर 1/3 -1, तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एन की पावर 1/3 -1। आगे बढ़ जाओ भाई, फिफ्थ क्वेश्चन बताना है, सिक्स्थ बताना है, सेवंथ बताना है, एट्थ बताना है, एट्थ भाई पूछ लेना जो भी डाउट होगा। ठीक है, इतनी बात, हालांकि मैं एट्थ डिस्कस कर चुका हूं क्लास में। नाइन्थ बताना है, टेंथ बताना है, टेंथ बताना है। चलो देखो, टेंथ देखो भाई, अब टेंथ क्या कह रहा है, बिल्कुल उल्टा सवाल है। जैसे इसमें क्या था, बड़ा वाला छोटे में कन्वर्ट हुआ था, और बड़ा वाला जब छोटे में कन्वर्ट हुआ था, हमें वर्क करना पड़ रहा है, और जब छोटा वाला बड़े में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उल्टा। ठीक है, इतनी बात। तो यहां पर क्या है, कई सारे छोटे वाले मिलकर क्या बन रहे हैं, बड़ा वाला बन रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। तो चलो देखते हैं भाई, छोटे वाले का रेडियस कितना दे रखा है, ए। ठीक है, कई सारे छोटे वाले मिलकर के क्या बन रहे हैं, एक बड़ा ड्रॉप बन रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, बी। तो मान लेते हैं एन छोटे वाले ड्रॉप्स थे, एन इंटू 4/3 πa³ इज इक्वल टू व्हाट, 4/3 πb³। आपको एन निकालना था, तो एन निकाल लिया हमने, कितना, b³/a³। एक ये कहानी आ गई। अब वो क्या कह रहा है, छोटे वाले मिलके बड़े वाले में कन्वर्ट होते हैं, तो छोटे वालों की एनर्जी कितनी, इनिशियल एनर्जी इज यू आई इज इक्वल टू एन इंटू एस इंटू 4πa², मानते हो या नहीं मानते हो? और बाद में एनर्जी जब ये बड़ा बन गया, कितना, एस इंटू 4πb², एन की वैल्यू डाल दो बेटा ऊपर से, b³/a³, तो कितना हो गया, एस इंटू 4πb³/a। ये हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल एनर्जी। एक बात तो, इनिशियल एनर्जी फाइनल वाले से क्या है, ज्यादा है, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा किसमें कन्वर्ट होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गोज एज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जरा देखो क्या हो गया, दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा, एस इंटू 4πb² कॉमन, अंदर बचता क्या है, b/a - 1। ये सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, इतनी बात, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है,
तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ मास ऑफ बड़ा वाला ड्रॉप इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला बन रहा है, मास ऑफ बड़ा वाला ड्रॉप क्या होगा, 4 बाय रो इंटू 4 बाय 3 पाई बी क्यूब, ठीक है, तो कितना आ गया, एस इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बी माइनस ए अपॉन ए, ये ऐसे ही रहने दो, क्या हो गया, एस इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बी अपॉन ए माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ रो 4 बाय 3 पाई बी क्यूब वी स्क्वायर, हाँ या ना। अब जरा देखो बेटा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, बी स्क्वायर से ये बी कट गया, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, 6s अपॉन रो ये आया, और ये बी नीचे आया, बी नीचे आया तो बी से भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, और इस ड्रामे का क्या अंडर रूट विल बी व्हाट, वी, हाँ या ना, क्लियर है भाई, बड़े आसान से सवाल होते हैं, आप करोगे सारे हो जाएंगे, हो गया। चलो अब देखो भाई, अब आज हम किस पे, 11 नंबर बताना है, 11 नंबर बताना है, 12 नंबर बताना है, 12 नंबर, चलो देखो, अच्छा 12 नंबर चार्ज गिवन, बेटा एक्सपेंड करेगा तो साइज में बढ़ेगा, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, अगले साल कर लेंगे, चिंता ना करो। अगर सेम टाइप, मतलब आप चार्ज देते हो किसी स्फेरिकल बबल को या ड्रॉप को, तो अगर चार्ज सारा सरफेस पे आएगा, तो आपने चार्ज दिया तो एक ही टाइप का दिया होगा, ऐसा तो नहीं आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव दिया तो टोटल चार्ज ही नहीं दिया आपने, तो एक टाइप का चार्ज दिया होगा, तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन क्या करेगा, वो एक्सपेंड करना चाहेगा, ठीक है, वो अभी नहीं अगले साल आ जाएगा। 13 नंबर बताना है, 14 नंबर, 15 नंबर, 15, 16, 17, 18 देखो भाई, बातें नहीं, ओए चुप हो जाओ, 18 देखो बेटा, बातें मत करो, मैं जल्दी फिनिश करके अपना थर्मो पे आ जाऊं, हीट पे आ जाऊं फिर से। अब जरा देखो, ओए अगर क्वेश्चन करवाने तो चुपचाप सुन लो, नहीं तो फिर मैं बाहर ही बता दूंगा जिसको बताना होगा, जो पूछने आओगे। सिलेंडर है विथ मूवेबल पिस्टन कंटेनिंग एयर एट प्रेशर पी वन एंड अ सोप बबल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। पहले केस में एक सिलेंडर के अंदर सोप बबल है और जो एयर है उसके उसका प्रेशर क्या है, पी वन है, ठीक है, तो सोप बबल के अंदर प्रेशर हम मान लेते हैं पी एक्स, मान लेते हैं पी एक्स माइनस पी वन इज इक्वल टू व्हाट, 4s अपॉन आर, हाँ या ना। बेटा एक कंटेनर, मतलब ये मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर प्रेशर क्या, पी वन, और इसी के अंदर क्या, एक सोप बबल है, ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या मान लिया, पी एक्स माइनस पी वन इज इक्वल टू 4s अपॉन आर, ये पहली कंडीशन है। आगे क्या बोल रहा है, द प्रेशर पी टू टू विच एयर, अब हमने इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन को अंदर की तरफ करा, तो प्रेशर क्या कर गया, बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो क्या हो गया, पी टू हो गया। अब पी वाई माइनस पी टू इज इक्वल टू, अब क्या हुआ, उसने कहा कि तब तक आप कंप्रेस करो जब तक बबल का रेडियस क्या नहीं हो जाता, आधा नहीं हो जाता, तो कितना हो गया बेटा, 8s अपॉन r, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब वो क्या कह रहा है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, इतनी बात। अब हमें क्या बताना है, द प्रेशर पी टू, पी टू बताना है, ठीक है, इतनी बात। पी वन हमें पता है, क्या बताना है, पी टू। अब एक चीज देखो, यहां से क्या आ गया, पी एक्स, सो बबल के अंदर जो प्रेशर था दैट इज पी वन
प्लस 4s अपॉन r, पी वाई इज इक्वल टू पी टू प्लस 8s अपॉन r, कोई इशू है इसमें? अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब सोप बबल के अंदर जो पी वी इज इक्वल पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू कर सकता हूँ, तो सोप बबल के अंदर पहले प्रेशर कितना था पी एक्स, तो पी एक्स इंटू वॉल्यूम फर्स्ट केस में इज इक्वल टू पी वाई इंटू वॉल्यूम सेकेंड केस में, तो पी एक्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ या ना, इज इक्वल टू पी वाई 4/3 पाई आर क्यूब बाय 8, यस ओ नो? क्यों? क्योंकि हाफ हो गया था, ठीक है, इतनी बात। तो क्या आ गया, यहां से देखो ये सब ड्रामा कट गया, तो पी वाई इज इक्वल टू 8px, हाँ या ना, यहां 8px रख दे, मैं रख दूं निकम्मो, ठीक है, तो कितना हो गया 8px इज इक्वल टू पी टू प्लस 8s बाय r, इसको इधर ले आओ, 8s बाय r प्लस 8 टाइम्स px, px इज व्हाट, p1 प्लस 4s बाय r, हाँ या ना? अरे निकम्मो यही है कि नहीं है? अरे नहीं, इसके सामने माइनस आएगा, ठीक है, अपॉन 4s अपॉन r इज इक्वल टू व्हाट, p2। अब जरा देखो 8p1 और ये कितना, 8 दुनी कितना, 8 8 4 जा कितना 32, 32 माइनस 8 कितना 24, देखना जरा आंसर, आगे बोलो भाई। 19 नंबर हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 22, चलो हटा दें इसे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, एक सोप, एक ड्रॉप था, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी v थी, और अगर वैसे ही दो ड्रॉप मिल जाएं तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, यही पूछ रहा है, और तो कुछ नहीं है, तो बेकार से लोगों को तुम लोग। देखो देखो भाई, सेम मटेरियल है, सेम मीडियम में है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी, v प्रोपोर्शनल टू कितनी, आर स्क्वायर। अब निकम्मो दो ऐसे ड्रॉप मिल गए, तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई नए वाले का रेडियस का क्यूब, हाँ या ना, ये कट गया, कितना आ गया 2 की पावर 1/3 इंटू व्हाट आर, यार आ गया कि नहीं आ गया। अब नया वेलोसिटी क्या आएगा, वी डैश इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इसका स्क्वायर, 2 की पावर 2/3 आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, वी डैश अपॉन वी इज इक्वल टू व्हाट 2 की पावर 2/3, तो वी डैश इज इक्वल टू व्हाट, आ गया आंसर, कौन सा आ गया, 4 की पावर 1/3 वी, हाँ या ना। 23 नंबर बताना है, जे एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बताना है, बढ़ जाए आगे। अब देखो भाई, बढ़ जाऊं, हमारे पास ये कोई वायर फ्रेम है, ध्यान सुनना, वायर फ्रेम है, इसके ऊपर हमने धागा डाल दिया, मतलब इस पे सोप फिल्म थी, और उसके ऊपर क्या डाल दिया हमने, इसे धागे का लूप फेंक दिया, और बीच में क्या कर दिया, पंक्चर कर दिया, तो क्या बन जाता था, सर्कुलर, याद है ना, ये सर्कुलर वायर का लूप बन गया, ठीक है, इतनी बात। अब सोप फिल्म बची कहां, इस पोर्शन में सोप फिल्म बच रही है कि नहीं बच रही है, हाँ या ना। अब क्योंकि, अब जरा देखो एक मिनट, धागे पे बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स, हर डायरेक्शन, हर रेडियली आउटवर्ड, है ना, तो ये क्या बन गया, सर्कुलर बन गया। अब आपको इस धागे में क्या बताना है, टेंशन बताना है, क्या बताना है, टेंशन, बहुत ही आसान है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, धागा थोड़ा सा वायर जैसा होता है, तो फिल्म पे इधर की तरफ, अगर इस धागे पे इधर सरफेस टेंशन का फोर्स, मैंने रॉड पे बताया था, याद है, थिन वायर पे क्या बताया था, दो लगते थे इधर और इधर, वही चीज आप बोल रहे हो, बस और कुछ नहीं है। तो अब क्या कहानी है, ध्यान से देखो, मैंने क्या करा,
इसमें ऐसे करके छोटा सा पोर्शन पकड़ लिया, ठीक है, इतनी बात। इसके ऊपर बाहर की तरफ ऐसे करके क्या लगेगा, अगर ये एंगल हमारा कितना है, डी थीटा है, तो क्या लगेगा सरफेस टेंशन का फोर्स, कितना सरफेस टेंशन इनटू व्हाट, लेंथ ऑफ दिस आर्क, लेंथ ऑफ दिस आर्क इज व्हाट, आर इनटू डी थीटा, हाँ या ना। तो क्या लगेगा, एस इंटू आर डी थीटा, लेकिन इसका क्या ट्वाइस, इधर भी लगेगा धागे पे और इधर भी लगेगा, आप सिर्फ इतनी सी बात भूल रहे हो। अब दूसरी चीज, जब ये लगेगा तो ये पोर्शन बाहर भाग जाना चाहिए, लेकिन नहीं भाग रहा है। अगर नहीं भाग रहा है तो आप देखो क्या हो रहा है, इस पे ऐसे करके यहां पर क्या डेवलप हो रहा है, धागे में क्या डेवलप हो रहा है, टेंशन। ऐसा हमने सर्कुलर मोशन में या कई चैप्टरों में करा है कि नहीं करा है, हाँ या ना। ये क्या डेवलप हो गया हमारे पास, टी हो गए कि नहीं हो गए। अब इन टी के अंदर की तरफ क्या कंपोनेंट, इधर की तरफ और इधर की तरफ, क्योंकि बाकी दोनों कंपोनेंट क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, हाँ या ना। ये कितना हुआ, टी साइन डी थीटा बाय टू, और ये भी कितना, टी साइन डी थीटा बाय टू। अरे निकम्मो, ये डी थीटा है तो ये डी थीटा बाय टू, ये डी थीटा बाय टू, हाँ या ना। अब जरा देखो कितना आ गया, टू टी साइन डी थीटा बाय टू इज इक्वल टू टू एस आर डी थीटा। अब निकम्मो, थीटा बहुत छोटा लिया था हमने डी थीटा, तो साइन डी थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, डी थीटा, टू से टू कट गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, टेंशन कितना आ गया, टू एस आर। आगे कि नहीं आ गया, आगे बढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर दो, दो नंबर बताना है, तीन नंबर बताना है, चार नंबर बताना है, चार पांच पांच, हो गया क्वेश्चन। अब पांच देखो भाई, अब जरा देखो यार, ये लिक्विड है, इसके अंदर आपने कैपिलरी ट्यूब डाली हुई है, ठीक है, इतनी बात ध्यान से देखना क्या कहानी है। शुरू में जो आपने कैपिलरी ट्यूब डाली है, पूरी पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, ठीक है, इतनी बात। एक बात बताओ, इस वक्त उसने क्या बोला है, जैसे जैसे हम ट्यूब को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाते हुए रेडियस ऑफ मेनिस्कस और जो ऊपर ट्यूब पानी के ऊपर गई उसमें क्या रिलेशनशिप, और याद होना चाहिए आपको, मैंने कराया था, एल इंटू आर डैश, एल क्या था, लेंथ जो पानी के ऊपर है, हाँ या ना, इज इक्वल टू क्या होता था, कॉन्स्टेंट होता था कि नहीं होता था, याद है, अरे निकम्मो ठीक है, और जब मैक्सिमम हाइट जितना पानी राइज कर सकता था वहां तक पहुंच जाता तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस उसके बाद क्या हो जाता था, कांस्टेंट, हाँ या ना। चलो अब जरा देखो, एक बात बताओ, एल अभी क्या है, जीरो है, यानी कि ग्राफ में तो एच दे रखा है, तो एल की जगह वहां पर क्या है, एच है, एच जीरो है तो आर डैश क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जरा देखो कौन सा ग्राफ सही हो रहा है, बी और सी, हाँ या ना, बी और सी क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। अब जैसे से ऊपर जाएगा एल बढ़ेगा, आर्क डैश की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, घटते घटते अपनी मिनिमम वैल्यू ले लेगा कभी ना कभी, तो ग्राफ कौन सा सही हो गया, जरा देखना, बी सही हो गया। अब आपको लगेगा सी भी सही है, लेकिन सी वाले में देखो डैश डैश करके उसने आगे काटा हुआ है, एक्चुअल में कांस्टेंट आ रहा है ना भाई, आर की वैल्यू क्या हो रही है, ये आर और ये क्या एल, आर इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उस वाले में सी वाले में क्या कर रखा, उसने ऐसे नीचे कटवा रखा है ग्राफ को, तो इसलिए वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलो अब छह नंबर बताना है, और निकम्मो छह नंबर, सात नंबर, सात नंबर, अरे बताना है या नहीं, आठ, एक मिनट, सात नंबर बताना है, अभिषेक रुक जाओ, सात नंबर देखो क्या है,
देखो भाई, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जो पुराने जमाने में जो बिल्डिंग्स बनती थी उसके जो छत होते थे या डोम होते थे वो कैसे होते थे, हेमिस्फेरिकल या सर्कुलर। क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि मैंने बताया हुआ अगर स्फेरिकल मेनिस्कस होगा तो दोनों साइड में क्या आएगा, प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो जरा देखो कैसे, कोई बात नहीं, ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, डोम है, ठीक है, इतनी बात, नीचे कुछ नहीं है। अब वो कह रहा है इस डोम का रेडियस कितना है, 5 मीटर, थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल दे दी उसने, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ द मेसनरी स्ट्रक्चर इज 500, हाउ मच लोड इट कैन टॉलरेट। अब जरा देखो अंदर प्रेशर कितना पी और बाहर कितना पी नॉट। तो निकम्मो, ऊपर की तरफ जो एक्सेस प्रेशर लग रहा है दैट इज पी माइनस पी नॉट इज 2s अपॉन रेडियस ऑफ मेनिस्कस, हाँ या ना। अब एक बात, तो इसके ऊपर जब कोई लोड रखोगे तो वो किसके ऊपर पड़ेगा, प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर, हाँ या ना। तो ये तो एक्सेस प्रेशर हो गया, तो 2s अपॉन r, इतना नीचे से फालतू लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उतना ही ऊपर से क्या डाल सकते हो लोड, अगर उससे ज्यादा डालोगे तो टूट जाएगा। तो 2s into pi r square is equal to what, वेट या लोड जो भी आपने सब डाला ऊपर से, कितना आ गया s into 2 pi r। तो s कितना दे रखा जल्दी बताओ, बोलो। अच्छा यही आंसर है, ऐसे ही दे रखा आंसर क्या, अच्छा आंसर कैलकुलेट करना है, एस कितना है, तो 2 into 500 आर 5 into pi, जरा देखना कितना आ रहा है, 1000, 5000, 5000 into pi, 5000 into pi कितना हुआ निकम्मो, बहुत ही बेकार है यार, ठीक है। तो 3000 kg वेट हो गया आपका, ठीक है, आगे बढ़ो। आठ नंबर, नौ बताना है, चलो नौ देखते हैं। अब 9 नंबर देखो भाई, बातें नहीं, सो बबल हैज अ रेडियस आर थिकनेस डी लेस देन इक्वल टू आर, बातें नहीं, मच लेस देन इक्वल टू आर, इट कोलैप्सेस इनटू स्फेरिकल ड्रॉप, रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉप टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल, ठीक है। तो पहले बबल में देखते हैं एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इन बबल डेल्टा पी इज व्हाट, 4s अपॉन r, यही है या नहीं है, ये बबल में है, निकम्मो किसमें है, बबल, ठीक है, इतनी बात। अब वो कह रहा है सोप का जो बबल था इसका वो सोप ड्रॉप बन जाए, क्या बन जाए, सोप का ड्रॉप, लिक्विड का ड्रॉप या सोप का ड्रॉप, तो लिक्विड कितने पोर्शन में, जो पट्टी सी बना रखी उसी में है ना, अरे बड़े बेकार हो यार, यही हिस्सा लिक्विड है या नहीं है, हाँ या ना। तो यही वॉल्यूम का ड्रॉप बनेगा, और ये वॉल्यूम कितना है जरा देखो, ये वॉल्यूम कितना है, 4πr² × d, डी बहुत छोटा दे रखा है बेटा यार, अगर सरफेस एरिया इनटू थिकनेस वुड बी द वॉल्यूम, अगर बहुत छोटा सा है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, नया जो ड्रॉप बनेगा 4π r³, कर सकते हैं ऐसा, तो जरा देखो क्या हो गया, 3r² d इज इक्वल टू r³। अब एक्सेस प्रेशर ड्रॉप में क्या होता है, 2s upon r, हाँ या ना। तो एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉप डेल्टा पी इन ड्रॉप विल बी 2s upon r, इन दोनों का रेशो बताना है, डेल्टा पी डी अपॉन डेल्टा पी बबल, यही करना है ना, या ऊपर नीचे कुछ उल्टा तो नहीं हो गया, यही होगा शायद, देखो कितना है, r upon 2r, हाँ या ना। अब स्मॉल r किसके बराबर बेटा, जरा देखो, टू स्मॉल r कितना, 3r² d की पावर कितना, 1/3। अब जरा ऑप्शन चेक कर लो यार, ऐसे कुछ आएगा, अच्छा इसने क्या करा, ऊपर वाला r भी, एक काम कर रुक जाओ,
आर की पावर नीचे क्या है, 2/3, ऊपर गया तो क्या हो गया, 1/3 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या आ गया, आर की पावर आर अपॉन डी की पावर 1/3, ये आ गया एक तो। और इस 2 को अंदर लपेट दिया मैंने, भेज दिया अंदर, अंदर भेजते 8 × 3 कितना, 24, 24 की पावर 1/3, हाँ या ना, तो 1/24 की पावर 1/3, ऐसा कोई ऑप्शन है, तो बस बन गई बात खत्म। हाँ भाई अब आ जाओ, 10, 11, 12, 12, अरे लड़की तूने पढ़ा ही नहीं ढंग से, हो गया 10 भी बताऊं, 12, 13, 14 तो बताऊंगा ही नहीं, अभी तुम्हारी औकात से बाहर है, ठीक है 12 बता रहा हूँ, जब 12th में आ जाओगे तब कर लेंगे 13, 14। अब 12 नंबर पे आ जाओ, 12 नंबर क्या बेटा, बॉल ऑफ मास m इज जेंटली रिलीज्ड इन अ विस्कस लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज m डैश, लड़की जो m डैश है ना ये बॉयंसी हो गया, अरे समझ में आई बात, m डैश क्या हो गया, बॉयंसी वाला हो गया। अब टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो भाई सिंपल सी बात है, देखो रुक जा लड़की यहाँ देख, ये बॉल है नीचे लगा कितना mg, ऊपर क्या लग रहा है बॉयंसी, बॉयंसी इज व्हाट m-g, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है 6πηrvt, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, आ गया भाई 6πηrvt इज इक्वल टू m-m′ × g, हाँ या ना। अब जरा देखो किस आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया m-m′ / r के प्रोपोर्शनल, 13, 14 अभी छोड़ दो, 15 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ जेई एडवांस MCQ, 3 क्वेश्चन है, तीनों हो गए, प्रीवियस से डिस्कस करना है या बाद में करवा लोगे मुझसे, चलो बाद में कर लेंगे, ठीक है हो गया। रविशंकर सर ने भी तो डिस्कशन कराया होगा, ठीक है ठीक है। चलो हम कहां तक पहुंच गए थे भाई, अच्छा हमने क्या करा था अभी, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अब बातें नहीं, अब सुनो यार, इतनी बात हो गई, ओए रुक जाओ, अब हम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ही पढ़ रहे हैं, उसी के एक दो एप्लीकेशन और देखें। पेंडुलम वाली घड़ी देखी है सबने, yes, sir। पेंडुलम वाली घड़ी थोड़ा सा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसी घड़ी, देखो एक मिनट, थिन मेटल की वायर है और ये बॉब, ठीक है इतनी बात, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आवाज करने लगता है, ठीक है, तो ये हमारी क्या पेंडुलम वाली घड़ी है, ठीक है। अब ये बन क्या रहा है, सिंपल पेंडुलम बन रहा है एक, इसका प्रूफ हमने डायमेंशन वाले चैप्टर में करा था, याद हो टाइम पीरियड का प्रूफ करा था डायमेंशन वाले चैप्टर में, ठीक है, और मैंने कहा था इसका एक्चुअल प्रूफ हम किस में करेंगे, SHM वाले चैप्टर में, तो अभी भी एक्चुअल प्रूफ तो हमें नहीं पता टाइम पीरियड का, हमें सिर्फ क्या पता इसका डायमेंशन वाला प्रूफ पता है, ठीक है इतनी बात, तो अभी हम उसको याद रखेंगे, जब SHM आएगा तो अपने आप इसको मैथमेटिकली भी क्या कर लेंगे प्रूफ। अब होता क्या है इस घड़ी में, चलो टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2π√L/g, 2π√L/g लेंथ ऑफ वायर अपॉन जी। चलो अब आप एक चीज देखो, अगर मैं क्या करता हूं 27 डिग्री सेल्सियस के लिए, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे इस वायर की लेंथ एल नॉट है, कितनी है एल नॉट, और उस लेंथ के लिए एक्चुअल घड़ी का जो टाइम है उस हिसाब से कैलिब्रेट कर रखी है, ठीक है, मतलब ये मान सकते हैं कि एक टाइम पीरियड इसका 1 सेकंड का है इस बॉब का, ठीक है इतनी बात, 27 डिग्री सेल्सियस पे जब इस धागे की लेंथ क्या एल नॉट। अब अगर मैं जून के महीने में यही काम करूं तो उस वक्त टेम्परेचर 40-45 तो हो ही जाता है,
40-45 हो जाएगा, तो ये मेटल वायर क्या कर जाएगी, थोड़ा सा लेंथ इसकी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड क्या करेगा, बढ़ जाएगा। 2π√L/g टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी? स्लो। जल्दी बोलो, स्लो होगी। एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सुनो एक मिनट, अगर ये एक्चुअल में एक सेकंड में एक चक्कर मारता था, ठीक है, अब जब लेंथ बढ़ गई तो ये 2 सेकंड बाद एक टाइम पीरियड पूरा कर रहा है, तो आपको तो 1 सेकंड 2 सेकंड बाद बताएगा ना ये, हाँ या ना? तो आपकी घड़ी क्या हो रही है, स्लो हो रही है, ठीक है। और सर्दियों में क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि तब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आधे सेकंड में ही 1 सेकंड बताना शुरू कर देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिखो जरा। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब देखो भाई, एट टेम्परेचर टी नॉट, लेंथ इसकी एल नॉट थी और करेक्ट टाइम पीरियड कितना था, टी नॉट। ये कहानी थी, मतलब इस टेम्परेचर के लिए, इस लेंथ के लिए और इस टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये टाइम पीरियड कितना हो गया, टी नॉट इज इक्वल टू 2π√L0/g, हाँ या ना? yes, ठीक है। अब ने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अब टाइम पीरियड क्या हो गया, टी। अच्छा, अब ये हुआ क्यों, इस वायर का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, अल्फा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो अब जो टाइम पीरियड आएगा नया, दैट वुड बी 2π√, नई लेंथ अपॉन व्हाट, जी। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? निकम्मो, यही होगा। और नई लेंथ क्या आएगी, नई लेंथ विल बी ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस α√T। अरे निकम्मो, ठीक है ये बात, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2π√L0 1 प्लस α√T अपॉन व्हाट, जी, हाँ या ना? yes, 2π√L0/g तो इनिशियल टाइम हो गया, करेक्ट वाला। तो मैंने क्या लिखा इसे, टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस α√T की पावर हाफ, लिख सकता हूँ ऐसा? yes, लिख सकता हूँ या नहीं? yes, अब एक चीज देखो, जो अल्फा होता है सॉलिड्स का, 10^-5 -6 ऑर्डर का होता है या -4 ऑर्डर का होता है, तो अल्फा और टेम्परेचर में चेंज, एक बात बताओ, आजकल के महीने से लेकर के जून के महीने तक में कितना चेंज आएगा, 30-40 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? तो यानी कि 1 के कंपैरिजन में ये आगे वाली टर्म क्या है, बहुत छोटी है। अरे है या नहीं? yes, अब मैथ्स वाले, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ मैं, और बाइनोमियल मैंने मेडिकल वालों को ही पढ़वाया हुआ है, मेडिकल वालों मैथमेटिकल टूल में एक चीज पढ़ी होगी ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो किसी को याद नहीं, कितने लोगों को याद है, मेडिकल वाले बताएंगे पहले, क्योंकि मैथ्स वालों को तो आ गया होगा अब तक में ना। yes, sir, क्योंकि पीएनसी पढ़ लिया तुमने तो, हाँ तो वही ना, हाँ, बगैर बाइनोमियल के पीएनसी पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ भाई, मेडिकल वाले किसको याद है बाइनोमियल एक्सपेंशन, देखो कितनी जल्दी भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त कितनी खराब होती है। अबे मैथमेटिकल टूल 1.5 महीने पढ़ाया गया और तुम लोग झूठ बोलते हो, शाम को एनिस्ट्रोपिक और आइसोट्रोपिक पता था लोगों को, तुम्हें नहीं पता था, कई लोगों को पता था, एक दो नहीं, कईयों को पता था। हाँ भाई, बाइनोमियल मेडिकल वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करो पहले, इतनी है, कम कैसे हो गए, ज्यादा होते थे, किसी को बाइनोमियल नहीं पता है, शाबाश, ठीक है। नॉन मेड वालों को, कितने लोगों को बाइनोमियल पता है, नॉन मेड वालों को, नॉन मेड वाले कितने हाथ खड़े करो, पीछे वालों को नहीं पता है बाइनोमियल, चलो हाथ ही नहीं खड़े कर रहे हैं, चलो उनसे पूछूंगा मैं। चलो भाई रुक जाओ पहले, हाँ बताओ, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका α√T इज much less than 1, बताओ भाई, लास्ट वाला क्या नाम है, क्या नाम है, कुलदीप, बता भाई,
दीपक बुझाएगा ही, मतलब जलाने वाला नहीं है मुझे लग रहा है। अगला कौन है? तू ही खड़े हो जा। क्या नाम है? क्षितिज। बता भाई, बता भाई। वन प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर हाफ, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब तुम तीनों पता है अभी मिलोगे थोड़ी देर बाद, जब क्लास खत्म होगी ना तो नीचे आ जाना, सिद्धांत, कुलदीप और क्षितिज, ठीक है? तू बता भाई, चौथा, चार कर देते हैं, तीन अच्छा नहीं लग रहा है। मेडिकल, नॉन मेड? नॉन मेड बता भाई, कतई नहीं पढ़ रहे हो, बोर्ड में फेल हो जाओगे साला, ग्यारहवीं पास ना हो पाओगे। टेस्ट दिया था इस संडे? नहीं दिया था? शाबाश, तूने दिया था भाई। कितने नंबर आए? 140। साला गलती हो गई, 114 या 1 से 14 के बीच में होने चाहिए थे, 9 फालतू जुड़ गया। पीछे टेस्ट दिया था, कितने नंबर आए? बस फालतू आ गए नंबर। शाबाश, बढ़िया। अपनी मर्जी है, फिजिक्स का देंगे हम, फिजिक्स में तो तीर मार रहे हैं जैसे, है ना? कितने नंबर आए फिजिक्स में? हाँ, 28। साला एक फिजिक्स ही दिया 3 घंटे में, उसमें 100 नंबर ना ला पाया। चलो बैठ जाओ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, अगर ना पढ़ोगे तो बेइज्जती बहुत करूँगा, ठीक है? और कुछ मेरे हाथ में है नहीं, नहीं तो पीटना शुरू कर दूँ। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर हाफ। चलो मेडिकल वालों देख लो दोबारा, अब नहीं बताऊंगा दोबारा, ध्यान रखना। 1 प्लस जो काम आएगा सिर्फ वही बता रहा हूं, एक्स की पावर एन, इफ एक्स मच मच लेस देन 1, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो इसको आप सीधे लिख सकते हो 1 प्लस nx। मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूं, प्रूफ आपको दिया जा चुका है पहले भी, और अब मरो नहीं दे रहा हूं, तो ठीक है ऐसा लिख सकते हैं। रुको एक मिनट, 1 माइनस x की पावर n, और अगेन कंडीशन यही है, x इज मच मच लेस देन 1, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस nx। 1 प्लस x की पावर माइनस n, तो ये 1 माइनस nx, ठीक है? इतनी बात, 1 माइनस x की पावर माइनस n, तो 1 प्लस nx, दो बार माइनस आ जाएगा, क्लियर है? तो सिंपल यही लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो जरा देखो एक मिनट, t इज इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा t, ये हो गया कि नहीं हो गया? अरे n क्या है, हाफ है, और x कितना, अल्फा डेल्टा t, मानते हो या नहीं मानते हो भाई? नोट करो सारी बकवास पहले, बताया मैंने, रटवाया। हाँ, ये 1 प्लस x, ये पूरा x है, कि पावर कितना n, यहां देख, टाइम पीरियड एक्चुअल वाला ये था जब हमने कोई गड़बड़ नहीं करी, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेंथ कितनी हो गई, l, और l किसके बराबर होता है, लेंथ, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा t होता है, वो यहां डाल दिया। अब एक बात बता, 2π√L0/g, यहां से क्या लिखा हुआ दिख रहा है, टी नॉट, ठीक है? तो इसको टी नॉट लिख दिया, और ये ड्रामा की पावर क्या आ गया, हाफ आ गया कि नहीं आ गया? बस सॉल्व कर दिया। अब क्लियर है, कोई इशू नहीं इसमें? चलो अब देखो एक मिनट, ये तो मिटा दूं। अब देखो भाई, ये आ गया हमारे पास, अब ध्यान से देखो, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी इन टू टी नॉट, दिस इज वॉट, चेंज इन टाइम पीरियड, हाँ या ना? फाइनल माइनस इनिशियल इज वॉट, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है भाई? अब एक और चीज, ये आ गया, टी माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट इज वॉट, हाफ अल्फा डेल्टा टी, दिस इज वॉट, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, ये क्या आया, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? एक टाइम पीरियड में कितना फ्रैक्शन का क्या आया, चेंज आया, ठीक है?
अब ये कहानी आ गई। अब एक चीज देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा टी नॉट से, क्या हुआ टी नॉट प्लस डेल्टा टी, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव, चेंज इन टेम्परेचर भी और फ्रैक्शनल चेंज भी, मतलब टाइम पीरियड क्या कर गया हमारा बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, ठीक है। इतनी बात तो घड़ी क्या हो गई हमारी स्लो हो गई, ठीक है। तो पहले से नोट करो फिर लिखवा रहा हूँ सारी बातें, लिखो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस और इन समर्स, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस और इन समर्स, गर्मियों में या टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, ठीक है। लिखो चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड एज वेल एज फ्रैक्शनल चेंज, चेंज इन टाइम पीरियड एज वेल एज फ्रैक्शनल चेंज इज पॉजिटिव, हाँ या ना। अरे पॉजिटिव आ रहा है, निकम्मो की नहीं आ रहा है। देयरफोर वी कैन से क्लॉक रन्स स्लो, देयरफोर वी कैन से क्लॉक रन्स स्लो, घड़ी क्या हो गई स्लो हो गई, ठीक है। इतनी बात, अब घड़ी अगर स्लो हो गई, ध्यान से देखो, तो एक दिन में कितनी स्लो होगी, एक दिन में फ्रैक्शनल चेंज, एक टाइम पीरियड में इतना समय स्लो हुआ, ये टी माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट दैट इज हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये क्या हुआ जो पेंडुलम था वो अपने एक टाइम पीरियड में जितना क्या हुआ स्लो हुआ। अब एक दिन में कितना टाइम होता है, 24 आवर्स, 24 × 60 × 60 86400 seconds, तो एक दिन में कितना स्लो हो जाएगा जरा देखो। देयरफोर क्लॉक गोज स्लो बाय, ये फ्रैक्शन आ गया, क्लॉक गोज स्लो बाय हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू 86400 seconds इन अ डे, एक दिन में इतनी स्लो हो जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू हमारी 10^-4 ऑर्डर की है, तो इससे मल्टीप्लाई करके मान लो 10 डिग्री चेंज हुआ, तो 10^-3 86.4 उसका भी आधा, तो 43 सेकंड के आसपास एक दिन में स्लो हो जाएगी। मतलब एक दिन में कितना मिनट स्लो हुआ, 1.25 मिनट के आसपास, हाँ या ना। दो दिन में 1.5 मिनट, 3 दिन में ऐसे ऐसे, साल भर अगर ऐसा ही रहे तो क्या हो जाए, घड़ी काफी स्लो हो जाएगी, हाँ या ना भाई। एक एक मिनट अगर साल भर में लगा 365 मिनट हो गया, 365 में 6 घंटे स्लो हो जाएगी साला घड़ी, हाँ या ना, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्लो हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं साल में हमारा, ऐसा थोड़ी होता सारे दिन टेम्परेचर ज्यादा होगा, सर्दियां भी तो आएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो एक दिन में इतना स्लो होगी। अब लिखो जरा, लिखो इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस और इन विंटर्स सर्दियों में, या जब टेम्परेचर घटता है, तो एक बात बताना टी माइनस टी नॉट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, फ्रैक्शनल चेंज भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो लिखो जरा, लिखो चेंज इन टाइम पीरियड एज वेल एज फ्रैक्शनल चेंज इज नाउ नेगेटिव, सो क्लॉक रन्स फास्ट और एक दिन में कितना फास्ट चलेगी, लिखो इन अ डे, ये लिख दो इन अ डे हाफ अल्फा डेल्टा टी 86400 seconds, एक दिन में इतने ही सेकंड होते हैं ना, पक्का सही है नहीं, ठीक है, हो गया। क्लॉक गोज फास्ट बाय हाफ अल्फा डेल्टा टी 86400 seconds, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं, एक चीज और लिखो, तो हमें कैसी पेंडुलम क्लॉक बनानी चाहिए जिसमें अल्फा की वैल्यू काफी छोटी हो, हाँ या ना, निकम्मी सी हो, तो लिखो इनवार
INVAR is alloy used in war. INVAR, तुम देखो साला महंगी घड़ी खरीदने जाओ तो कहता क्वार्ट्स का क्रिस्टल लगा है, ठीक है, ये सब बवाल है फालतू, तो देख कीमत कैसे बढ़ाता हो, कहता सिरेमिक का पट्टा है इसका, ठीक है, डायमंड स्टडेड है, वो सब फालतू बकवास है, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन क्वार्ट्स क्रिस्टल होना चाहिए, ठीक है, या पेंडुलम वाला तो इनवार होना चाहिए, क्वार्ट्स की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो एक बार आपने चाबी भर दी तो वो काफ़ी दिनों तक सही टाइम देता रहेगा। पहले आती नहीं थी वो चाबी वाली, पर हमने तो अपनी कंपनी बंद कर दी, HMT, एक HMT कंपनी हुआ करती थी इंडिया की, हाँ सरकारी कंपनी थी भाई। हाँ क्या कह रहा था मैं, इनवार इज एन अलॉय विच इज यूज्ड फॉर पेंडुलम क्लॉक्स एज इट्स अल्फा इज नेग्लिजिबल। अल्फा मतलब क्या, लीनियर एक्सपेंशन। अब एक और चीज लिखो, थर्मल स्ट्रेस ये क्या है, रिजिड वॉल्स हैं, बीच में के रॉड है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक रॉड है, ठीक है, इतनी बात। रिजिड वॉल्स का मतलब है दीवार के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है, इतनी बात। दिस इज रॉड, ये क्या हो गया, रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट एट टेम्परेचर टी नॉट, ठीक है, ये है नेचुरल लेंथ इसकी, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉड इज व्हाट, वाई, एंड अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितने से, डेल्टा टी से। इफ टेम्परेचर इज नाउ टी नॉट प्लस डेल्टा टी, एक बात बताओ यार, अब क्या होगा, रॉड की लेंथ क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन दीवार बढ़ने देगा क्या, दीवार कैसा, रिजिड वॉल्स है, हाँ या ना, तो दीवार बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, इतनी बात। मतलब अगर दीवार ना होती तो कितनी बढ़ जाती लेंथ, डेल्टा एल बढ़ जाती, एंड डेल्टा एल वुड हैव बीन इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, यही होता कि नहीं होता, हाँ या ना, इतनी इंक्रीज होती लेंथ में। इफ नो वॉल्स, मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। अब जो फाइनल लेंथ आता, दैट इज एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, यह सुनो, दीवार ना होने पे ये लेंथ होती, दीवार ने क्या करा, इस लेंथ को छोटा किया, किया कि नहीं किया, कितना छोटा किया, इतना ही, अरे निकम्मो, इतना ही छोटा किया कि नहीं किया, हाँ या ना, तो अब जरा देखो एक मिनट, अगर मैं दीवार की वजह से स्ट्रेन कैलकुलेट करूं, स्ट्रेन ड्यू टू, भाई नहीं समझ रहे हो आप, देखो एक मिनट, ऐसे दबाएगा कि नहीं दबाएगा, ऐसे दबाएगा कि नहीं दबाएगा, हाँ या ना, नहीं ये तो दिख ही नहीं रहा, दोनों रुक जाओ, ऐसे दबाएगा कि नहीं दबाएगा भाई, ठीक है, इतनी बात। तो कौन सा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, कौन सा स्ट्रेस हो गया, कंप्रेसिव, ठीक है, इतनी बात, क्यों, दोनों साइड से अंदर की तरफ दीवार दबा रहा है। अब जो स्ट्रेन आया ई,
by wall. E is equal to change in length, that is delta L. इतना कम किया और original length कितनी कितनी L not नहीं है L है, इससे कम किया इसने, हाँ या ना, डेल्टा L अपॉन L. हालांकि हम रिजल्ट वही लिखेंगे लेकिन फिर भी सही चीज देखो कितना आ गया, L not अल्फा डेल्टा T अपॉन L not 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, हाँ या ना, ये कट गया बेटा. अल्फा डेल्टा टी वन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है या नहीं, है या नहीं, तो इसको इग्नोर कर दें. तो ई कम्स आउट टू बी व्हाट, अल्फा डेल्टा टी. मानते हो या नहीं मानते हो? अरे मानते हो निकम्मो, ये ई आ गया. अब व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू व्हाट, स्ट्रेन. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी. दिस इज व्हाट थर्मल स्ट्रेस, आया कि नहीं आया, टेम्परेचर के चेंज की वजह से आया स्ट्रेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस. नोट करो इस बकवास को. तो जो जो सॉलिड में सवाल दे सकता है उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात. जैसे थर्मल स्ट्रेस पे सवाल दे सकता है, पेंडुलम के कितना टाइम लूज करा, कितना टाइम गेन करा, एक दिन में या एक साल में कितनी घड़ी स्लो हो गई, ठीक है. एक और चीज लिखो जरा, स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग, ये बढ़िया चीज है. अब देखो भाई स्केल रीडिंग क्या है, ध्यान दो. मान लो हमारे पास एक स्केल है, ठीक है, इतनी बात. अब एक बात तो मान लो स्केल गुजरात में बनते हैं, ठीक है, या मान लेते हैं बहुत गर्म वाले रीजन में बनते हैं, ठीक है, तो वो जो स्केल बनाएगा वो आजकल हमारे यहाँ काम आएंगे क्या? क्यों, स्टील के ही बनते हैं, वही हम यूज़ कर रहे हैं, कोई ये थोड़ी था करनाल में फैक्ट्री लगा दी हमने. हाँ प्लास्टिक या स्टील के जो भी होते हैं, ठीक है, दोनों ही होते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझते हैं जरा. मान लो ये जीरो है, बात नहीं, और ये वन वाला मार्क, ठीक है. टेम्परेचर टी नॉट के लिए स्केल बनाया था हमने, कितने के लिए, टी नॉट के लिए, मतलब बेसिकली क्या करते हैं हम, एवरेज टेम्परेचर के लिए बना देते हैं, वो 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर हमने माना हुआ है, 27 या 30 डिग्री, उसके लिए हम सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, इतनी बात. 30 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कुछ जगहों पर, 40 45 50 भी हो जाता है हिसार जैसी जगहों पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या कहते हैं 45 46 तक जाता है, ठीक है, और कुछ जगहों पर जीरो. और सारी समस्या आती है जब नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है, वहाँ आपके ये डिवाइसेस कतई काम नहीं करते हैं, सब ये सब कूड़े हो जाते हैं. मतलब हमने इतने हथियार खरीदे हैं लद्दाख में डिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास सामान ही नहीं है कि हम वहाँ लड़ाई कर सकें. मतलब हमने पिछले 4 महीने से सिर्फ खरीदारी करी है, जो मिला वही खरीद लिया कि भाई सर्दी में लड़ने जाना है बस, और कुछ नहीं करना है. तो बेसिक चीज़ क्या है कि टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाएगा, जरा देखो एक मिनट समझो, ये 0 से 1 है टी नॉट टेम्परेचर के लिए. मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, क्या कर गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो स्केल की लेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, पहले बताओ. मान लो ये हो गई, ठीक है. अब जीरो वाला निशान तो मार्कर से लगा के रखा हुआ था ना आपने, तो अभी भी यहीं लगा हुआ है मान लो, और वन वाला भाई यहां पहुंच गया, हाँ या ना. अब एक बात बताओ, जो यहाँ मेजर कर रहा होगा वो इतने को 1 मीटर कह रहा होगा, और जो यहाँ मेजर कर रहा होगा वो निकम्मा इतने को 1 मीटर कह रहा होगा, हाँ या ना. तो एक बात बताओ, जो रीडिंग आई स्केल की वो तो 1 मीटर अभी भी आई है, क्या वो एक्चुअल रीडिंग है? नहीं है ना, हाँ या ना, एक्चुअल रीडिंग नहीं, ठीक है, इतनी बात. इसी तरीके से अगर ठंडी पड़ जाए, अब बताना क्या हो गया, फिर गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई, 1 पीछे आ गया, ठीक है. तो ये इशू आ जाता है, ठीक है. मतलब हमें नॉर्मल सिचुएशन बहुत कम आता है, लेकिन अगर एबनॉर्मल सी कंडीशन हो, अगर हम ऊपर जाके लड़ रहे हो कहीं लद्दाख साइड में, तो वहाँ ये चेंजेस थोड़े से अप्रिशिएबल आते हैं. यानी कि एक और चीज़, ये तो खैर सिंपल सी, चलो ये ठीक भी रहेगा, बहुत सारी आपके
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए काम करने के लिए बनाए जाते हैं। उनके माइक्रो प्रोसेसर 30 डिग्री या 27 डिग्री मतलब कंडीशंस प्रॉपर चाहिए, और रडार काम ही नहीं कर रहा है तो हो गया काम, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तुम तो अभी एक टीबी और इसी में खेल रहे हो ना साला, वहाँ सुपर कंप्यूटर तक लगाने पड़ते हैं, मतलब थोड़ा सा पार्शल टाइप के, मतलब एक एक रडार में। तो ये कहानी है, तो ये तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। ठीक है, अब लिखो जरा, अब स्केल रीडिंग देखते हैं। हम तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, पहले लिखो स्केल रीडिंग। इफ स्केल इज यूज्ड अबव इट्स कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, मतलब हमने टी नॉट से ऊपर यूज कर रहे हैं हायर टेम्परेचर पे, इफ स्केल इज यूज्ड अबव इट्स कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, देन ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन देखो आपने क्या मेजर किया, आपने ये लेंथ मेजर करी इससे, ठीक है, इतनी बात। ये क्या हो गया आपका मेजर्ड वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, इतनी बात। ठीक, तो ये इसकी क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू हो गई कि नहीं होगी? अरे यार रॉड थी, रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हो आप। यस, इसकी लेंथ आपने क्या बोली 1 मीटर, लेकिन एक बात बताओ क्या ये 1 मीटर है? No, 1 मीटर से बड़ा है? Yes, sir. 1 मीटर से क्या है? बड़ा है। तो क्या हो गया, स्केल रीडिंग तो कितनी आ रही है, इसको स्केल रीडिंग कहोगे ना, जो आपके पास स्केल है उसके हिसाब से। तो स्केल रीडिंग कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई, ठीक है, इतनी बात। लेकिन एक्चुअल वैल्यू से स्केल रीडिंग क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? लिखो जरा, ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन स्केल रीडिंग 1 मीटर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन स्केल रीडिंग विल बी लेस देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। बता रहा हूं, स्केल रीडिंग विल बी लेस देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। देखो एक मिनट, ये हो गई स्केल रीडिंग, हाँ या ना? अरे यही रीड किया ना आपने, ये स्केल रीडिंग है या नहीं है? अगर इसी रॉड को आप यहां रखते तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही, जरा बताना, 1 से बड़ी है या नहीं है? और ये स्केल रीडिंग हो गई, और ये क्या होगी, एक्चुअल रीडिंग। अरे एक्चुअल रीडिंग तो यही है कि नहीं है? अगर आपने टेम्परेचर टी नॉट पे किया होता तो एक्चुअल रीडिंग क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, और स्केल रीडिंग क्या आ रही है, छोटी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू स्केल रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आगे कि नहीं आगे, हाँ या ना? क्लियर है, कोई इशू नहीं इसमें? मतलब स्केल रीडिंग क्या आ गई, छोटी आ गई एक्चुअल रीडिंग से। स्केल रीडिंग कितनी आई, 1, और एक्चुअल रीडिंग कितनी है, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब आप लिखो जरा, When reading is taken in colder places, अब देखो reading is taken into colder places, ये हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। ये हमारा क्या आ रहा है, 2 से बहुत बड़ा आ रहा है। Yes, sir. अरे 3 से भी ज्यादा आ रहा है। Yes, sir. और यहां कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? तो लिखो जरा, स्केल रीडिंग 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, स्केल रीडिंग ओवर हेयर इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, स्केल रीडिंग ओवर हेयर इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू। अरे देखो जरा, 2 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, और यहाँ कितना था एक्चुअल वाला, 1 पॉइंट समथिंग। तो स्केल रीडिंग इज ग्रेटर देन क्या कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इतनी बात। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये एक्चुअल रीडिंग
इज इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गए। ठीक है, और भी कुछ पढ़ना है सॉलिड में? हाँ, एक और चीज, बाय मेटालिक स्ट्रिप हो गया, नोट कर लिया? Yes, sir. अब इन पे हमें सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है, इतनी बात। और एक्सपेंशन वाला चैप्टर आपको दे रखा है ना, बुकलेट में है शायद? Yes, sir. ठीक है, तो मैं टिक करा दूंगा कल। ठीक है, अब लिखो जरा, क्योंकि अभी लिक्विड का एक्सपेंशन, फिर गैस का, उसके बाद फिर अगले चैप्टर में। थर्मोमीट्री के किसी भी किताब में चेक करके एक दो सवाल मिलेंगे, ठीक है। थर्मोमीट्री इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट्स, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, हीट ट्रांसफर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब देखो भाई, अब लिखो जरा, बायमेटालिक स्ट्रिप बायमेटेलिक स्ट्रिप ये दो हमारे पास आइडेंटिकल बायमेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है, इतनी बात। ये दो हैं, चिपका रखी हैं एक दूसरे से, फेविक्विक से या रिवेट से, जो भी है, ठीक है। अब दोनों की लेंथ क्या है, एल नॉट, टेम्परेचर टी नॉट पे है। बस एक चीज है, ऊपर वाली स्ट्रिप का अल्फा पिंक और इसका अल्फा येलो, ठीक है, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, अरे किसी का दो डिफरेंट मटेरियल है, किसी का लीनियर एक्सपेंशन बड़ा, किसी का छोटा, किसका बड़ा मानू बता दो, येलो का बड़ा मान ले, मान लिया इफ। अब नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोनों की लेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी। yes, किसकी ज्यादा बढ़ेगी, येलो वाले की? yes, हाँ या ना? तो ये क्या होगा जरा देखो, एक मिनट, ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, देखो जरा, कौन से आर्क की लेंथ ज्यादा है, नीचे वाले की ना, तो नीचे येलो भरेंगे, ये बन गया कि नहीं बन गया। अब जरा खुद देख लो, अगर सर सेंटर इसका ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ये पिंक वाला रेडियस छोटा है, तो एंगल इनटू रेडियस छोटी लेंथ, एंगल इनटू बड़ा रेडियस क्या, बड़ी, इस टाइप से आएगा। तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा हमेशा कर्वेचर का कौन सा होगा, आउटर साइड होगा, क्लियर है इतनी बात, कर लोगे सब लोग? चलो बाकी हम कल बात करेंगे, तब देखते हैं।